वायु सेना कर्मी विनय कुमार सिंह अपने भाइयों पर जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और आवेदन देकर समाधान की मांग की है। मामला बिरनी थाना क्षेत्र के गादी भरकट्टा स्थित बैदा पहरी का है। इस बाबत विनय कुमार सिंह का आरोप है कि उनकी खरीदी गई 5 डिसमल जमीन जो उनके दादा स्वर्गीय भगीरथ प्रसाद सिंह के नाम है, जिससे उनके दो भाई रविन्द्र कुमार सिंह और बीरेंद्र कुमार सिंह उन्हें बेदखल करना चाहते हैं। बताया कि फिलहाल वो सब परिवार केरल के त्रिवेंद्रम में रहते हैं। छुट्टी में वो परिवार के साथ यहाँ पहुँचे तो उन्हें घर घुसने नहीं दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। बताया गया कि इस षड्यंत्र में पिता नकुल देव सिंह भी भाइयों के साथ शामिल हैं। शिकायत के बाद एसडीओ के द्वारा जमीन पर 144 लागू कर दिया गया है, मगर इसके बाद भी आदेश उल्लंघन कर भाई घर निर्माण करवा रहा है। इन्होंने कहा कि ये देश की सेवा करने वाले लोग अपने घर वालों से ही सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से आज हम विज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आज हम देश का सेवा करने वाला लोग जो हैं अपने घर वालों से सुरक्षित नहीं है। अभी के बदलते परिवेश में हर आदमी बाहर जो बॉर्डर पे काम करता है उसके घर वाले चाहते हैं कि उनके सारे प्रॉपर्टी को हथिया लें, उसका लाइफ घर में डेंजर है, तो अपने देश की सेवा वो क्या करेगा। आज अपना परचेज किया हुआ जमीन भी हमारा भाई लोग मेरे से ज़बरदस्ती हथिया भी लिया है और हम लोग को घर से बेदखल करके बाहर कर दिया गया है और हम लोग दोनों परिवार जो हैं रोड पर भटकते फिर रहे हैं। बोला जा रहा है कि दो भाई हैं आप लोग एक साथ, चार भाई? हम दो भाई और तीन भाई एक साथ नहीं हैं, हम चारों भाई अलग अलग हैं, लेकिन दो भाई यूनाइट होकर के हम लोगों को सताया जा रहा है। एक और हमारा जो भाई है वो शारीरिक से भी कमज़ोर है और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, लेकिन उनको अलग से सताया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस भाई के साथ में हमारा मेल मिलाप थोड़ा सा उन लोगों के कंपेरिजन में ज़्यादा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले भरकट्टा थाना बिरनी और गिरिडीह से हैं।